हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ थे कि ऐसी कंपनी को डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये फैक्ट भी है कि इसने कभी आज तक डिविडेंड नहीं दिया, कभी ना कभी बोनस दिया, ना ही कभी स्प्लिट हुआ, ना ही कुछ। लेकिन स्टिल दोस्तों, इसने यहाँ पर लोगों को करोड़पति बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, करोड़पति बना दिया है। मैं ये पूरा डेटा आपके साथ लाया हूँ, शेयर करूँगा आज के वीडियो में। पूरा डेटा पॉइंट्स हैं, 10 साल का डेटा, 20 साल का डेटा, ये सब आपको बताऊँगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, ठीक है। ये हो गई पहली बात कि इसने कभी डिविडेंड बोनस नहीं दिया। तो यहाँ से एक पॉइंट डिराइव होता है कि नेवर एवर, मतलब डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी कंपनी जस्ट बिकॉज उसका डिविडेंड अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, डिविडेंड कभी भी आपको वेल्दी नहीं बनाता, रिच नहीं बनाता। हमेशा आपको जो वेल्थ बना के देगा वो होगा शेयर प्राइस का अप्रिसिएशन। जो बिजनेस ग्रो होगा वही आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा आपके जो कैपिटल को। देखिए, बिजनेस ग्रो होगा तभी आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा। अगर आपको डिविडेंड से ही पैसा बनाना है तो दोस्तों, आप कोल इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। 9-10% का डिविडेंड देती है और आपको पता है उसकी हालत क्या है। उन्होंने लोगों का पैसा डुबो दिया है। देखिए, काफी टाइम से, काफी सालों से उसका परफॉर्मेंस जो है नेगेटिव ही जा रहा है, रिटर्न्स नेगेटिव ही जा रहे हैं। क्योंकि वो बिजनेस दोस्तों ग्रोइंग बिजनेस नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ग्रोइंग बिजनेस में हमेशा इन्वेस्ट कीजिए, चाहे उसका डिविडेंड कम हो चाहे ज्यादा हो। ये आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। हमेशा देखिए जो है अच्छे फंडामेंटल, ग्रोइंग बिजनेस और शेयर प्राइस उसका, आप सॉरी शेयर प्राइस नहीं, उसका बिजनेस देखिए। उसका ग्रो जो बिजनेस मॉडल है, फ्यूचर आउटलुक है, अर्निंग विजिबिलिटी है, वो सब देखिए। और वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। देखिए, बोनस तो यहाँ पर एक आप भी समझ लीजिए रिवॉर्ड होता है शेयर होल्डर्स के लिए। बोनस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड आपको नहीं देखना चाहिए। डिविडेंड एक तरह से समझ लीजिए आपके पास एक एडिशन है। अगर मिल गया अच्छा डिविडेंड अच्छी कंपनी में, तो ये बोनस आपके लिए बोनस हो सकता है। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कभी इन्वेस्ट मत कीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ द डिविडेंड। अगर आपको कोई कंपनी में अच्छा डिविडेंड मिल रहा है तो उसके हिसाब से इन्वेस्ट मत कीजिए, ग्रोइंग बिजनेस हमेशा देखिए। तीसरा है स्टॉक SIP की इंपॉर्टेंस। तो SIP करना कितना ज़रूरी है, एक्यूमुलेशन करना कितना ज़रूरी है, वो आपको इस एग्जांपल में अभी समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपका लाइक हमारा यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कंपनी कौन सी है। तो देखिए, कंपनी है दोस्तों 3M इंडिया। इसका नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। तो यहाँ पर 3M इंडिया की मैंने 10 साल की हिस्ट्री निकाल ली है। तो यहाँ पर देखिए, जो 10 साल पहले इसका प्राइस था जनवरी 2010 में 1849 का था, और आज देखिए इसका प्राइस है 21,757। हालांकि ये ऑलमोस्ट 26,000 को टच कर गया था, लेकिन अभी स्टिल पैंडमिक की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर डेटा निकाला है हमने, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके मंथली, और SIP आप अगर 5,000 की करते हैं हर महीने। देखिए, यहाँ पर 5,000 ले लीजिए आप, चाहे आप अगर अपने हिसाब से देखिए 5,000 की करना है या फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स लेने हैं। तो यहाँ 5,000 में कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आते हैं आपके? 2 शेयर आते जनवरी में, फेब में 2 आते और मई में 1 आता। तो ये इस हिसाब से आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं हर शेयर को। यहाँ पर मंथली अमाउंट है आपका, कितना खर्च हो रहा है। तो देखिए, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए ले रखा है। तो यहाँ पर आपको मंथली इन्वेस्ट करना है किसी भी स्टॉक में। अगर आपको अच्छा लगता है, वो फंडामेंटली स्ट्रांग, आपको उसकी फ्यूचर विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा अगर आपको लगता है कि वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है बिजनेस, तो आपको हमेशा उसके शेयर्स को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। हमेशा डिप में उसको खरीदिए, या फिर दोस्तों आप देखिए, मैं तो जो करता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं हमेशा बाय ऑन डिप करता हूँ, राइज में कभी नहीं खरीदता। और अगर आप ये एक स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी स्ट्रैटेजी ये उसे होती है कि आप हर महीने, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो वो आपको SIP करनी है। ये एक डिसिप्लिन शो करता है आपका, और डिसिप्लिन में अगर आप रहते हैं, देखिए किसी भी बिजनेस में, घर में, लाइफ में, लाइफस्टाइल में, डेली में डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा। चाहे वो ऊपर हो शेयर प्राइस, या नीचे हो, या फिर उसमें अपर सर्किट लगाओ, लोअर सर्किट लगाओ। अगर आपको, आपने एक डेट फिक्स कर रखी है हमको कि हमको इस दिन शेयर खरीदने हैं, तो आप उस दिन खरीदिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको एक वहाँ पर कन्विक्शन होना चाहिए कि ये फ्यूचर का बिजनेस है, फ्यूचर का कंपनी है, फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगी, तो आप वहाँ पर भी बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन मैं जो अपनाता हूँ वो होता है बाय ऑन डिप्स। तो देखिए, यहाँ पर आप हर मंथ, हम अभी करंट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हर महीने आपने कुछ ना कुछ शेयर उठाए हैं। तो देखते हैं हमारे पास लास्ट में 2010 में आज की डेट में कितने शेयर होते हैं और कितना हमने इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देखिए, आपके पास 59 शेयर होते हैं दोस्तों आज की डेट में। 59 शेयर हो गए आपके, और आपने इन्वेस्ट कितना किया? 2,000, 2 लाख, 2 लाख के आसपास आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो
तो यहाँ पर देखिए, अब आप सोचेंगे 21,000 का शेयर प्राइस है, हम रिटेल निवेशक ऐसा ही सोचते हैं कि 22,000 का है, 10,000 का है, तो इतना हम कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं हर महीने, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी नहीं होती। तो यहाँ पर दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप आज ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जिसका 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 भी शेयर प्राइस है, वो क्या पता फ्यूचर में 20,000 हो जाए। तो आपको पैसा कब तक लगाना है, जब तक आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कब तक लगाया पैसा, आप देखिए यहाँ पर खुद एग्जाम्पल में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लगाया सिर्फ जुलाई 2014 तक पैसा लगाया, जब तक शेयर प्राइस 4,900 था, उसके बाद 5,000 के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर देखिए एक भी शेयर नहीं, पैसा भी नहीं लगा, आपने छोड़ दिया। अभी ग्रो हो रहा है सिर्फ बिजनेस, तो आपने छोड़ दिया उसको, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। अगर आपके पास पैसा आया कभी, आपके सैलरी अच्छी आई, या फिर आपके बोनस आया, अप्रेजल आपका इंक्रीमेंट हुआ, तो आप ज़रूर यहाँ पर एक दो शेयर और खरीद सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2014 में इसको एक्यूमुलेट करना छोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने एक भी शेयर नहीं खरीदा। तो यहाँ पर हमारे पास 59 शेयर हुए आज की डेट में, और 2 लाख हमारा इन्वेस्ट हुआ। तो आप देखते हैं हमारे पास कितना आज की डेट में रिटर्न बनता है। तो देखिए 59 को हम इंटू करेंगे करंट रेट से। अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ जो है गोल अचीव हो गया है, तो आप यहाँ विड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंटू करेंगे इसको करंट डेट से। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितना रुपया हुआ, आप खुद आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पास हुआ 12 लाख, 12,83,671। तो 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास 12 लाख आ गया, और 12 लाख मतलब आपका पैसा हो गया है यहाँ से 6 गुना। तो 6 गुना पैसा हो गया, तो आपने सिर्फ 6 गुना पैसा कितने कितने टाइम में किया, आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपने सिर्फ 2,000 से लगाया, और यहाँ पर आपने सिर्फ 2014 तक, मतलब 4 साल में आपका पैसा 2 गुना कर दिया ऐसी कंपनी ने। तो और क्या चाहिए दोस्तों। अब CAGR हम रिटर्न देखें इसके, तो CAGR रिटर्न देखते हैं हम। यहाँ पर एक फार्मूला होता है रिटर्न, CAGR रिटर्न का। तो इसमें नंबर ऑफ़ पीरियड हम लेंगे, सॉरी नंबर ऑफ़ पीरियड हमारे ओनली 5 साल हैं, और हमारी प्राइमरी वैल्यू इन्वेस्टेड वैल्यू ये थी, एंड देन हमारी फाइनल वैल्यू ये थी। तो आप देखिए यहाँ पर CAGR आपको रिटर्न मिला 44% का। देखिए 44% के CAGR से आपका पैसा 5 साल में 6 गुना हो गया। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी भी है दोस्तों जो इस प्रकार से ग्रो करती है, तो समझ लीजिए आपका जो है सारा पोर्टफोलियो ग्रीन में ही आ जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में 5 कंपनी हैं, 4 आपको नॉमिनल रेट भी दे रही है, 4-5%, 7%, 8%, तो अगर एक कंपनी आपको 44% CAGR रिटर्न से दे रही है दोस्तों, आप समझ लीजिए आप कितने ज़्यादा वहाँ पर वेल्थ अपनी पोर्टफोलियो की कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक कंपनी आपको चाहिए तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसलिए जब भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एक दो कंपनी, 3 कंपनी भी ना चले, हर एक कंपनी भी चल गई अच्छी खासी, तो वही आपका सारा काम वहाँ पर बना देती है, जब ऐसी मल्टीबैगर कंपनी आपके एक पोर्टफोलियो में हो। तो ये था दोस्तों एग्जाम्पल। देखिए 2 लाख के आपके 5 साल में 12 लाख हो गए। तो यहाँ पर देखिए कितनी वेल्थ बनाई, ना ही इस कंपनी ने कोई बोनस दिया, ना ही डिविडेंड दिया, तो वेल्थ सिर्फ हुई है शेयर अप्रिसिएशन से, और जो बिजनेस ग्रो हुआ है उसकी वजह से। तो यहाँ पर 2 लाख के 12 लाख हो गए। ये था 10 साल का डेटा। अब हम बात करते हैं देखिए 20 साल की। तो 20 साल में मान लीजिए 3,000 आप SIP करते, और आप हर शेयर हर मंथ यहाँ पर एक्यूमुलेट करते इस शेयर को, तो देखिए आपके पास कितने शेयर होते, 3,000। देखिए अब यहाँ पर 2,000, ये 2,000 से, सन 2000 से बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 2000, जनवरी 2000 से लेकर नवंबर 2000 तक आपके पास शेयर होते 585, 585 शेयर हो जाते, और आपने इन्वेस्ट किया होता 3,28,000। आप देखते हैं इसमें कितना आपको रिटर्न मिलता 3 लाख पे। तो यहाँ पर आपके पास शेयर हो गए दोस्तों यहाँ 585, और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो चुकी है। मान लिया आप रिटायर होने वाले हैं, आप यहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट, तो आप करंट डेट से इसको विड्रॉ करते। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट हो चुकी है, 100,000। तो यहाँ पर 1,27,27,932, मतलब 3 लाख इन्वेस्ट करके आपके पास वेल्थ बन गई है 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा दोस्तों, कितना 1,000% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिल चुका है। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए करीब करीब, चलिए हम इसका एक बार CAGR देखते हैं, CAGR कितना आपने यहाँ पर निकाला है। CAGR देखते हैं, यहाँ हो गए हमारे 20 साल, 20 साल में हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू ये है, और हमारी करंट वैल्यू आज की डेट में ये है। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों गलत लग चुका है, एक सेकंड। यहाँ पर हमारे पास 20 साल हैं, तो
तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 20 CAGR आपके पास मिले हैं 20% CAGR से, मतलब 20% CAGR से भी अगर कोई कंपनी आपको रिटर्न देती है तो आप यहाँ पर वेल्थ अपनी बना सकते हैं, आपके फाइनेंशियल जो हैं गोल्स पूरे हो सकते हैं, आपके रिटायरमेंट जो प्लानिंग आपने की है वो पूरे हो सकते हैं, सिर्फ एक कंपनी आपको चाहिए बहुत ही तगड़ी। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिले हैं 20% CAGR से मिले हैं, और यहाँ पर आपके 3 लाख के हो गए 1 करोड़ 27 लाख। तो देखिए दोस्तों, कैसे इसने यहाँ पर वेल्थ बना के दिए 3M इंडिया ने। तो 3M इंडिया जैसी कंपनी आज आपको पकड़नी पड़ेगी दोस्तों, ऐसी जो आपको फ्यूचर में ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न दे सके। हालांकि 3M इंडिया से भी दोस्तों कई ज़्यादा शेयर्स ऐसे हैं स्टॉक मार्केट में जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, कईयों ने तो 25,000-30,000% तक के रिटर्न दिए हैं, लेकिन 3M इंडिया ने यहाँ पर बोनस नहीं दिया है। अगर मान लीजिए आज ये बोनस यहाँ पर जो है अनाउंस कर देती है, तो समझ लीजिए आपकी जो वेल्थ है कितना हो जाएगी। स्टॉक स्प्लिट हुआ तो समझ लीजिए कितनी वेल्थ आपकी हो जाएगी। हालांकि स्टॉक स्प्लिट में जो प्राइस भी स्प्लिट हो जाता है, लेकिन स्टिल वहाँ से एक अगर फिर ग्रो हुआ, कंपनी फिर से ग्रो हुई, क्योंकि लोअर जब शेयर प्राइस कम हो जाएगा तो रिटेल निवेशक वहाँ पर एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर एक लिक्विडिटी बढ़ेगी जिसकी वजह से शेयर प्राइस वापस से ऊपर जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आपको समझना ज़रूरी है। तो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर 3M इंडिया का। आई होप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि स्टॉक SIP जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूमुलेशन और डिविडेंड क्यों हमको नहीं देखना चाहिए। देखिए, डिविडेंड एक एडिशनल रिवॉर्ड है, अगर कोई कंपनी अच्छी है डिविडेंड भी दे रही है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आपको डिविडेंड देख के यहाँ पर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, कई लोग कोल इंडिया में फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पर समझ आना आ गया होगा कि क्यों डिविडेंड यहाँ पर जो है सही नहीं है। डिविडेंड से आपको 9% के रिटर्न आपकी कैपिटल पे मिलते रहेंगे, लेकिन वो आपको कभी वेल्दी नहीं बना सकती। तो वेल्थ आपको बनाएगा हमेशा बिजनेस। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है आपके कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।